बोला है? किसको बोल के इधर ली? मैंने तो उस बंदे को बोला है। मैंने बोला मैंने किसको बोला? बहू भाग गई। सुने बहू भाग गई तेरे से। सस्पेंड ऑफिसर। सुने करप्ट ऑफिसर उल्टा बोल रही है। चुन्नी अपने आप क्या करेगी? पागल है तू? ऐसे करेगी? बदनाम होके फॉलोअर बनाएगी क्या? उसने खींची। मेरी कौन सुनेगा पहले से बताओ। वड़ा पाव की असली कीमत 10 रुपए है। आप एक मिडिल क्लास पर्सन हो, आप मोहल्ले में खाते हो, अपने ही जहाँ पे जॉब पे जाते हो उस स्टेशन के बाहर में खाते हो, तो 10 से 12 रुपए। अगर बहुत अच्छा है, बहुत फेमस है तो 15 रुपए। और किसी अच्छे से बड़े से शॉप में जाकर के अगर खाते हो, एक अच्छे पैकेजिंग के साथ में आप उसको पार्सल करवाते हो, तो उस वड़ा पाव का कीमत होता है 20 रुपीज। एंड नाउ दिस वड़ा पाव गर्ल इज सेलिंग दिस सिंपल एंड स्वीट एज अ काइंड ऑफ एडिक्शन फॉर द मुंबई का। वो बंदी जो है इसको 20 के बदले में 50 रुपए में बेचती है एंड शी इज टेलिंग अस कि ये बेचारी गरीब है। ओके सो बंदा हाजिर है और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वड़ा पाव गर्ल के बारे में। वैसे ये बंदी काफी बार जो है लैमलाइट लेती रहती है, हमेशा आती रहती है भाई कॉन्ट्रोवर्सीज में, और लोग इनके स्टॉल के आसपास जो है जस्ट लाइक मधुमक्खी एकदम भीड़ लगा करके रखते हैं, जिसमें से मोर देन 30% लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं। एक टाइम हुआ होगा जब किसी यूट्यूबर ने जो है इनको वायरल कर दिया था, लेकिन अभी जो है लोग खाने के साथ साथ इनके पास में जा करके वीडियोस बनाते हैं और इनके यहाँ पे जो है, यहाँ जैसे मेरे पास एक माइक है एट अ टाइम 5 से 7 माइक एनी टाइम लगा हुआ रहता है। एंड शी हैज एन एटीट्यूड के भाई उसको अभी जो कर रही है करने दो, अगर नहीं तो भाई ये लो तुम्हारा अपना माइक और आप एक के चक्कर में सबका वीडियो बंद हो जाएगा। भाई ये एटीट्यूड देख रहे हो जस्ट लाइक अ प्रधानमंत्री की। देखो ए तुमको बुलाया है, तमीज से खड़े रह करके इंटरव्यू लो वरना लात मार के निकाल सकते इधर से। और जब भी कैमरा इनके स्टॉल के डेस्क पे जा रहा होता तो मैं देख के मेरी फट सी जाती है कि यह बंदी 50 का एक वड़ा पाव बेचती है और हर बंदा पार्सल में कम से कम 4 से 6 वड़ा पाव ले रहा होता है। तो 5 × 6 वड़ा पाव इज इक्वल टू 300 रुपीज फॉर 1 कस्टमर, एक कस्टमर। और इनके जब कैमरा घूमते हैं तो दिखता है कि लोग लंबी सी लाइन लगा करके सड़क पे इनका वड़ा पाव खाने के लिए वेट कर रहे हैं। सो मेरे हिसाब से कैरी मिनाटी के स्टाइल में दुनिया मदर बोर्ड है। लड़की देखी नहीं कि साले भिन बनाते हुए पहुंच जाते हैं, वो भले से वो टट्टी बना के खिला रही हो और वो भले से 50 के बदले 100 रुपए में दे रही हो, वो खरीदेंगे। एंड द सैड थिंग कि उनके आसपास में और भी लोग हैं, हमने और भी स्टॉल वालों से खाना खाया होगा, लेकिन एक लड़की काम कर रही है, दैट इज द रीजन एवरीवन इज सपोर्टिंग बाय सेइंग दिस कि भाई ये बंदी मेहनत कर रही है, देखो तो सही। अबे मेहनत कर रही है तभी तो खा रही है, बिना मेहनत का कोई कुछ खा पी सकता है क्या? बिना मेहनत का कोई कुछ कर सकता है क्या? लेकिन नहीं, लड़की की मेहनत थोड़ी ज्यादा दिखती है। तो भाई अभी देखो यहाँ पे कर्मा हिट बैक जो कहा जाता है वही चीज हुआ है, आऊंगा उस मुद्दे पे। आई होप जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है वड़ा पाव गर्ल के बारे में आपको समझ में आ चुका होगा, अगर कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था कि ये कौन है। अब आते हैं उस मुद्दे पे कि जिसके वजह से ये कल के दिन में अचानक से शाम से ट्रेंड करने लग गई, इनका एक वीडियो जहां पे जो है ये हाथापाई करते हुए देखी जा रही है। इनके साथ में जो है एक मोटी सी तगड़ी सी एक लेडी है जिसको ऑब्वियसली देख करके ही समझ में आता है दैट शी इज एन ऑफिसर, और वो आकर के यहाँ पे से जगह खाली करने के लिए कह रही है। तो सबसे पहला सवाल क्या उठता है, एग्जैक्टली इनके साथ में होता क्या है, किस वजह से ये सारी चीजें दिखाई जा रही है। इससे पहले एक छोटा सा हाईलाइट देना चाहता हूँ कि इस बंदी ने सीधा अपना दुपट्टा जो है ऐसे खींच करके कहती है कि इसने देखो मेरा दुपट्टा जो है खींचना चालू कर दिया, देखो ऐसे मेरा दुपट्टा हटा रही है। By the way, अगर फुटेज को सही से देखेंगे तो वो उसको उड़ा रही थी, नीचे गिर रहा था, उस बंदी ने सीधा कह दिया कि नहीं देखो ये मेरा दुपट्टा हटा रही है। फर्स्ट कि ये एक फीमेल के साथ में हो रहा है तो आप इसमें कुछ गलत नहीं ले सकते। दूसरा कि उन्होंने हटाया नहीं था, आप खुद हटा करके जो है अचानक से विक्टिम कार्ड फेंकना चालू कर दी लोगों के ऊपर में, और ताकि लोग आपको देखे, लोग और ज्यादा कैमरा करीब ले जा करके दिखा रहे थे, तो भाई कुछ अलग ही सीन हो गया था। अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली ये सारा भसड़, ये सारी चीजें हो क्यों रही थी। ये जो आप लेडी को देख रहे हो ये एक ऑफिसर है, और इनका कहना है कि एमसीडी की तरफ से क्या आपके पास में कोई परमिशन है जो रोड पे आप लगा रहे हो ये कार्ट, ये जो ठेला लगा करके खड़े हो? नहीं है। अब उनका हस्बैंड का कहना होता है कि आप मुझे किसी एक का दिखा दो जो कि परमिशन ले करके रोड पे लगा रहा हो, जो कि फैक्ट है। कोई भी जब रोड में ठेला लगा तो उसके पास कोई परमिशन नहीं होता है, कोई दो गाली देता है, दो बात सुनाता है, या कोई ऑफिसर आके डराता है तो वो आगे चला जाता है, कोई खाने वाला आता है तो उसको हफ्ता दे करके निपटा देते हैं, दैट इज द रूल एंड दिस इज द वे कि वो अपना कार्ट चला रहे होते हैं, किसी के पास नहीं होता। तो भाई साहब जो है लॉ लॉ खेलने लग जाते हैं। अब यहाँ पे जो है उस बंदी का कहना है जो ऑफिसर आई है और उस
पूरे भसड़ के बाद में दो लोग खड़े होकर के इंटरव्यू में बता रहे होते कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। अब देखो सबसे बड़ी मतलब अचंभा वाली बात यह है कि सब लोग वीडियो बनाए जा रहे थे, सब हुआ जा रहा था, लेकिन कॉन्टेक्स्ट किसी को नहीं पता था। आप समझ रहे इस चीज को, मतलब लड़की वायरल है, वड़ा पाव गर्ल बहुत ज्यादा हिट है इंटरनेट पे, तो बस पहले वीडियो बना लो, बाद में पता करेंगे कि किस चीज के ऊपर में लड़ाई हो रही है। जो कि आप उस वीडियो को देखोगे जो कि अवेलेबल है, जिसके एकदम एंड में जा करके दो लोग, एक बूढ़े आदमी और एक आदमी जो है वो बता रहे होते कि क्या हुआ है। तो देखो एग्जैक्टली होता क्या है, बंदी को कहा जा रहा है कि यहाँ से तुम रस्ते पे अपना कार्ट हटा लो और आप इतना अच्छा कमा रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, अब जाकर के एक शॉप खरीद लो। तो इनका कहना होता है शॉप नहीं खरीद सकती मैं इतना भी नहीं कमा रही हूँ, 40-50 रुपए में मैं अमीर हो जाती हूँ क्या? अरे भाई तुम्हारा एक कस्टमर 200 रुपए का, कम से कम 100 रुपए का एक कस्टमर है, जाकर के देखो 10 रुपए का एक वड़ा पाव बेचने में क्या से क्या हो जाता है। मुंबई में आओ और देखो उस 10 रुपए का वड़ा पाव बेचने के लिए क्या क्या सुना करके लोग वड़ा पाव खाते हैं और छोड़ के भी चले जाते कि नहीं लेना तेरा वड़ा पाव। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो आप बहुत लकी हो कि लोग दूर दूर से सिर्फ आपका वड़ा पाव खाने आ रहे हैं, वो भी मुंबई में नहीं दिल्ली में। आप समझ पा रहे हो उस चीज? अब कहती है कि जो मैंने दुकान देखा है वो 90,000 रुपए का रेंट है, अब वो मैं कैसे पे करूंगी, यहाँ पे मैं लगाती हूँ तो मेरे ऊपर में कोई प्रेशर नहीं है, चार लोग कम भी आए तो मुझे किसी को कुछ देना नहीं है, लेकिन वहां पे मुझे रेंट देना होगा, उसके बाद से पगड़ी देना होगा और जो भी स्टाफ रहेगा उनको भी सैलरी देना पड़ेगा। वाह भाई वाह, यहाँ पे अकेले सारी चीज कर ले रही है और वही चीज को दुकान में करेंगी तो ये सारी चीज चाहिए। लोग कमेंट सेक्शन पे जा करके कह भी रहे हैं कि 5,000 और 10,000 से रेंट शुरू हो जाता है, आपको 90,000 वाला ही रेंट का शॉप क्यों चाहिए, आप कम वाला भी चला सकते हो। दूसरे लोगों का ये भी ऑब्जर्वेशन था इस वीडियो को देखने के बाद में कि हस्बैंड और वाइफ दोनों के पास में आईफोन है, 1.5-1.5 लाख रुपए के 3 लाख रुपए का आईफोन ले सकती है, लेकिन मैडम दुकान का पगड़ी दे करके अपना एक प्रॉपर दुकान नहीं खोल सकती। रीजन जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि एक लड़की होने के नाते उनके पास में लोग ज्यादा से ज्यादा पहुंचते, प्लस वो वायरल हो चुकी है तो और भी ज्यादा लोग जाते हैं उनके पास से वड़ा पाव खाने के लिए 50 रुपए दे करके। जबकि वहीं पे अगर थोड़ा आप कैमरा घुमा करके देखोगे, अगर आपके नजर में आया हो तो उनके अलावा और भी कई सारे वड़ा पाव वाले हैं जो कि वहां पे लगाते हैं, पर उनके पास से कोई नहीं खाता, वही लोग खाते जो कि भीड़ से तंग आ चुके होते और अब भूख लगी चुकी है तो दूसरे के पास में जाकर के खा लेंगे। ये पूरी चीज होती है इस जगह पे। अब यहाँ पे जब झगड़ा हो रहा होता है तो उस बंदी की सास और उसका पति जो है उसको हटा भी रहा होता है, लेकिन मैडम के मुंह से निकल जाता है दल्ली, दूसरा निकल जाता है कि सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर है तू, करप्ट पुलिस ऑफिसर है, तीसरा जो सबसे बड़ा चीज मुंह से निकलता है वो ये कि मेरा दुकान यहाँ से कोई हटा करके बता दे, सबकी हटेगी लेकिन मेरी दुकान तो नहीं हटने वाली है, जा तुझे जो करना है कर ले। वहां पे जो चीज वो कही है ना भाई, इसे समझ में आता है कि ये अपने कौन सा चाय वाला था यार जो बिलगेट से मिल गया था, डॉली चाय वाले के साथ में ये बंदी मिली और इनको लगा कि अब ये भी बहुत बड़ी हो चुकी है, अब सरकार इनके इशारे पे चलेगी, ये सरकार के इशारे पे नहीं चलेगी। भाई मतलब चुटकी सा काम होता है एक स्टॉल को पूरा सारा सामान सहित उठा लेना और उसके बाद से कभी ना वापस देना, आपका अगर केस डिसमिस भी हो जाता है ना तो आपको सामान तो वापस नहीं मिलता है, और जब तक मिलता है वो सड़ गल चुका होता है पूरे तरीके से। तो इस मैडम को शायद इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है, ये उड़ रही है हवा में बिकॉज ऑफ ऑडियंस, बिकॉज ऑफ फूड ब्लॉगर, बिकॉज ऑफ दैट फेम जो उनको मिला है। आप उन्हीं का वड़ा पाव खा के 3 डबल प्राइस देने के बाद उन्हीं को अमीर बनाते हो और खुद जाके फिर उसी सड़क पे किसी और से वड़ा पाव खाने वाले हो। ये मुझे थोड़ा थोड़ा याद दिला रहा है बाबा का ढाबा के जैसे, बाबा का ढाबा में वही चीज हुआ था, लोगों को एंड में जो है ना चोट सी लग गई थी कि देखो यार हम मदद करने के लिए गए थे, ये बंदा सड़क से सीधा होटल का मालिक बन गया है, एक रेस्टोरेंट खोल चुका है। भाई वो बंदा भी हवा में उड़ा था, उसके वजह से सारी चीजें तहस नहस हो करके रेस्टोरेंट से सीधा वापस आ चुके थे, उसके ऐसे हाथ जोड़ करके कह रहे थे कि गौरव तो है अपना बच्चा जैसा, उसको कभी आने से मना नहीं किया, वो फिर से आए वीडियो बनाए। अरे भाई वायरल एक बार होते बार बार नहीं होते। ये चीज मुझे फील हो रहा है कि ये बाबा का ढाबा 2.0 चल रहा है बॉस, पता नहीं ऑडियंस इनको क्या हिटबैक करने वाली है। तो ये सारी चीजें होती है और उसके साथ साथ भाई आज मुझे गरीब होने का ज्यादा एहसास होने लग गया जब इस पूरे वीडियो के एंड में दो ऐसे इंसान दिखे जो अपनी दुविधा बता रहे थे और इस पूरी कहानी के पीछे का असली सार समझ में आया कि किस बात के ऊपर में ये चीजें चल रही है। वहां पे एक बंदा रहता है जो कहता है कि मैं मास्क और सैनिटाइजर बेचता हूँ, मेरी गाड़ी उधर पे खड़ी है, और ऐसा बोलते हुए जब उसके हाथ में एक चाबी दिख रहा होता है ना तो समझ में आता है भाई तू 7-8 लाख का कम से कम गाड़ी लेकर के होगा, वो एक कार की चाबी है, तू उस पे सैनिटाइजर और मास्क बेच रहा है,
और तू कह रहा है कि मैं अपना घर कैसे चलाऊं। तो चलो इस बात को मैं समझ सकता हूं कि भाई लोग एक टाइम पे हिट होते हैं, सारी चीजें खरीदते हैं और उसके बाद से जो है फिर उसको ईएमआईस पे चला रहे होते हैं, जैसे तैसे घिस रहे होते हैं, मान लेते इस बात को। पर कंपटीशन कहीं से भी नहीं बनता कि वड़ा पाव और मास्क और सैनिटाइजर कैसा है, पर फिर भी ये मुद्दा सही है, बताता हूँ कैसे। दूसरे अंकल रहते हैं जिनका कहना है कि मेरा उधर पे जो है पिज्जा का दुकान लगता है, पर वहां पे जितने भी आप देख रहे हो 10 से 12 दुकान, वो पिछले 10 साल 5 साल से चल रहा है। ये मैडम 1-1.5 साल पहले आई है, जब इनके वहां पे भीड़ होने लगा तो यहाँ की एमसीडी की जो पर्सन है जो आती है वो आकर के कई बार बोल चुकी है खाली करो, तो वो मैडम खुद तो खाली नहीं की लेकिन साथ साथ बता दी कि फिर ये लोग क्यों लगा करके है, इनको भी हटाओ। अब वो बोलते बोलते रो पड़ते हैं कि हमारी दुविधा कौन सुनेगा, और वो समझ में भी आता है कि जब एक ऐसा एक दुकान आ जाता है जहां पे सब भर भर के जाके खरीद रहे होते हैं लेकिन आपके दुकान से कोई नहीं खरीद रहा होता, जो बंदी एक एक दिन में कम से कम नहीं भी तो 30,000-20,000 का गल्ला कर जाती होगी, नहीं भी तो चलो 10,000 रुपए का गल्ला कर जाती होगी सड़क पे खड़े खड़े, वहां पे तुम्हारा चीज नहीं बिक रहा है, तो ये दुख मैं समझ सकता हूँ। इट इज जस्ट लाइक दैट कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त अगर फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। ये चीजें जो है काफी ज्यादा रिलेटेबल था, मैं समझ पाया इस चीज को कि तुम्हारी दुकान नहीं चल रही है पर किसी और की दुकान तुमसे कहीं ज्यादा चल रही है, और अब वो जो है तुम्हारी वो जो बची कुची दुकान है उसको भी हटवाने पे लगा हुआ है, और जाते जाते ये कह देती है कि सबका हटेगा लेकिन मेरा तू हटा के बता दे, मेरा तो नहीं हटने वाला। एंड हैट्स ऑफ टू दैट पुलिस ऑफिसर जो बंदी आई थी कि एमसीडी से या फिर पता नहीं कौन सी ऑफिसर थी, उनका कहना था कि अगर लगेगा तो सबका लगेगा और हटेगा तो सबका हटेगा। मैडम ने जो चीज़ कहा एकदम सही था, और ये जो मैडम को जो हवाबाजी अभी चल रही है इनके अंदर में वो शायद रोकने की ज़रूरत है। एंड शी इज़ टेलिंग अस दैट शी इज़ सो गरीब, 40-50 रुपये से अमीर थोड़ी ना हो सकती है। ये क्या बताऊं यार, मैं वीडियो यहीं पे खत्म कर रहा हूं, आप पे छोड़ता हूं कि आप बताओ क्या वड़ा पाव गर्ल वाली जो बंदी है वो सही है, क्या वो भी जो भी चीजें कह रही है वो सही है, या मैडम के हाथ में जो फोन दिख रहा है 1.5 लाख का, उसके बावजूद जो आउटफिट है उसके बावजूद वो गरीब है, 90,000 वो नहीं दे सकती, जबकि उन्होंने इसी चीज के ऊपर में सरकार से लोन लिया है आफ्टर वायरलेशन ऑफ द वीडियो। हाँ मतलब वायरल हो चुकी है इसके वजह से और फास्ट उनको लोन मिल चुका है, लेकिन वो फिर भी दुकान नहीं ले सकती भाई, नहीं ले सकती। और साला मुझे बताओ ये इतनी सड़ी गर्मी में कान में मफलर पहन के क्या है ये एयर वार्मर, मैडम अपना लुक नहीं छोड़ती भाई, एकदम सही बोल रहे लोग कमेंट सेक्शन पे, ये अब वड़ा पाव गर्ल नहीं ये इन्फ्लुएंसर है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, दैट वाज माय वीडियो, व्हाट्स योर टेक, प्लीज डू कमेंट। यहां तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ, वीडियो को एंड तक देखा है, थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।